بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 9 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किडनीज से रिलेटेड उसके यूनिट यानी नेफ्रॉन, उसकी सारी फंक्शनिंग, उसका सारा स्ट्रक्चर, हमने उस सारी की वर्किंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग ऑफ किडनीज हमने उसकी डिस्कशन की थी। और स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह वो तमाम तर टॉपिक्स समझ आ गए होंगे। तो आइए आज हम किडनीज के डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। किडनीज की जो मेल फंक्शनिंग है, यानी जब किडनी सही तरह काम नहीं करेंगी, और क्या रीजंस हैं कि वो क्यों सही तरह काम नहीं कर रही, और उसके साथ साथ अगर वो काम नहीं कर रही तो उनकी क्या ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं, और क्या कॉजेस हैं जिस वजह से किडनीज सही तरह काम नहीं कर रही, ये तमाम तर डिस्कशन आज हम वर्क फॉर डे 9 में करेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बताया गया, टॉपिक का नाम मेल फंक्शनिंग या डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज। इसका मीनिंग क्या होगा, मैं अगेन आपको बता दूं। ऑर्डर का मतलब होता है हुक्म। डिसऑर्डर मींस के जो हुक्म ना माने। इट मींस दैट के किडनी का जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर रही किडनीज। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं किडनीज के। तो मैंने यहां पर फर्स्ट जो राइट किया, इट इज फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनीज। कि जी, पहली बात तो ये हो सकती है कि आपकी किडनीज जो हैं उनमें क्या बन चुके हैं, स्टोन्स। क्या बन चुके हैं, स्टोन्स। स्टोन्स बनने की स्पेसिफिक रीजंस होती हैं, जैसे मैं इधर एक दो मेंशन कर देता हूं, वैसे आपकी बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं लिखा गया। आप एक बात बस याद रख लीजिए कि मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी ज्यादा ग्रीनिश वेजिटेबल्स खाने की वजह से भी किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, अगर आपने देखा हो जो टोमेटो होता है, ये भी मैं आपको एक एडिशनल बता देता हूं क्योंकि ये आपकी रूटीन लाइफ में यूज होने वाली चीज है। जैसे आपने घर में टोमेटो देखा, जिसको हम उर्दू में टमाटर कहते हैं, उसके इनसाइड यानी उसके अंदर बीज होते हैं, सीड्स। जब हम उसको कट करते हैं, वो सीड्स जो हैं एक्चुअल में वो एक केमिकल होता है विच इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो कैल्शियम ऑक्सलेट या ज्यादा ग्रीनिश वेजिटेबल्स खाने की वजह से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो किडनीज हैं उनमें स्टोन्स हो जाएंगे। ठीक है जी, अब अगर आपकी किडनीज में स्टोन्स हो गए हैं तो इनकी क्या ट्रीटमेंट्स है, यानी इन स्टोन्स को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो पहली ट्रीटमेंट यहां पे मैंने लिखी, प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इट मींस मोर, ज्यादा। कि जितना ज्यादा आप पानी पी सकते हैं आप पीजिए, उस ज्यादा से ज्यादा पानी पीने से आपके ये स्टोन्स टूट जाएंगे, टूट के बिखर जाएंगे और ये आपके यूरिन से रिलीज हो जाएंगे। और याद रखिए, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट टू रिमूव द किडनी स्टोन्स।
आप ये देखिए कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं तो 90% स्टोन्स जो हैं वो ड्रिंकिंग ऑफ मोर वाटर की वजह से ही आपकी किडनी से रिमूव हो जाते हैं। यानी अगर आपकी किडनी में स्टोन है तो आप यूं देखिए कि 90% चांसेस हैं कि अगर आप पानी पिएंगे, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे, तो वो स्टोन्स जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है जी। दूसरी वर्किंग क्या है जी कि अगर पानी से बात नहीं बन रही तो आप मूव करते हैं लिथोट्रिप्सी। अब ये एक न्यू टर्मिनोलॉजी है आपके लिए, लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या है इसको प्रॉपर डिस्कशन में अभी हम लेकर जाएंगे जब हम रीडिंग में आएंगे। रीडिंग के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा ताकि हम साथ साथ रीडिंग भी कर लें तो वो आपकी कवरेज हो जाए अच्छी तरह। दूसरी तरफ हमारी जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है किडनीज की वो है रीनल फेलियर। कि एक तो ये बात थी ना, किडनीज में इश्यूज आ रहे थे, स्टोन था, उसको रिमूव करने के मेथड हमने ढूंढी है। दूसरी तरफ जो डिसऑर्डर आता है किडनी का, इट इज रीनल फेलियर। रीनल फेलियर का मतलब क्या है जी? रीनल मींस रिलेटेड टू किडनी एंड फेलियर मींस फेल। कि जी आपकी किडनी जो है वो फेल हो गई है, यानी अब वो इतनी एलिजिबल नहीं है कि वो काम करे। ये या तो दोनों किडनीज आपकी हो सकती हैं फेल या फिर कोई एक। अब अगर आपकी बॉडी में स्टूडेंट्स किडनी फेल हो गई है तो किडनी का फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? क्योंकि किडनी का बेसिकली जो फंक्शन था वो क्या था? यूरिन फॉर्मेशन। अब अगर यूरिन फॉर्मेशन किडनीज नहीं करेंगी तो कौन करेगा? तो इसीलिए फिर हमने ये देखा कि अगर रीनल फेलियर हो जाए, किडनी फेल हो जाए, तो उसके लिए हम कुछ ट्रीटमेंट लेकर आए हैं या हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, इट इज कॉल्ड डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? ये एक मशीनरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे डायलाइजर कहा जाता है। अभी हम इसकी डिस्कशन में भी जाएंगे, फिर इसको अच्छी तरह देखेंगे। तो आपने याद रखना है डायलिसिस क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसको यूज करके आप अपने ब्लड को साफ कर सकते हैं। जिसको आप एक हिसाब से यूं कह लीजिए कि अल्लाह ताला ने जो आपको किडनीज दी वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रही थी तो वो नेचुरल किडनीज थी। ठीक है। तो इस तरह ये जो ट्रीटमेंट है डायलिसिस की, आप इसको कह लीजिए आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होगा? मस्नूई, जिसको इंसान ने बनाया। अब अगर किडनी का फंक्शन आपके ब्लड को साफ करना है, जो कि नेचुरली तौर पे अल्लाह ताला ने आपको प्रोवाइड की, लेकिन अगर वो किसी वजह से काम नहीं कर रही तो उसको आर्टिफिशियली तौर पे, मस्नूई तौर पे हमने प्रिपेयर करवाया। ठीक है। और अभी हम इसकी प्रॉपर डिस्कशन में जाएंगे कि डायलिसिस क्या है, कैसे होती है, एटसेट्रा। दूसरा स्टूडेंट्स क्या है कि अगर आपकी किडनी फेल हो चुकी है, ठीक है, और डायलिसिस क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्किंग है, या आपको तकरीबन हर रोज करवानी पड़ती है, एक तो वो टाइप होती है, एक टाइप होती है जिसमें आपको वीक में दो मर्तबा करवानी पड़ती है। अब अगर आप इन प्रॉब्लम्स में नहीं जाना चाहते तो दूसरी जो मेथड है, दूसरा मेथड रीनल फेलियर के बाद का, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आप लिख लीजिए अपनी बुक पे अंडरलाइन करके। ट्रांसप्लांट का मतलब है चेंज। रीनल ट्रांसप्लांट यानी किडनी ट्रांसप्लांट मींस किडनी चेंज। कि आपकी जो किडनी इफेक्टेड हो चुकी है आप उसको निकाल लीजिए और उसकी जगह कोई दूसरी किडनी, न्यू किडनी जो है वो लगवा लीजिए। तो ये स्टूडेंट्स एक्चुअली हमारे डिस्कशन यहां पे कंप्लीट होती है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज की, जिसमें हमने देखा कि एक तो डिसऑर्डर है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स और दूसरा है रीनल फेलियर। फिर हमने उनकी ट्रीटमेंट्स की थोड़ी थोड़ी बात डिस्कस की। अब हम फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स पे पहले जाएंगे और देखेंगे कि ये स्टोन्स कहां बनते हैं और कैसे बनते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने ऊपर हेडिंग दी फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स, नीचे दो डायग्राम आपको बनाकर बताई। ठीक है। एक डायग्राम आप यूं कह लीजिए, बल्कि अगर मैं इनको कनेक्ट भी कर दूं तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है। कैसे कनेक्शन हुआ ये आप देखिए, ये आपके पास है किडनी,
जिसका स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं। किडनी से जो ट्यूब रिलीज होती है इट इज कॉल्ड यूरेटर, और यूरेटर आगे कनेक्टेड होता है एक सैक, एक बैग के साथ, मस्कुलर बैग विच इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आप कह लीजिए कि ये एक इंपॉर्टेंट सिस्टम आ गया। अब हम देखते हैं कि ये स्टोन कहां बनते हैं, ये तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया कैसे बनते हैं। मैंने आपको बताया मोर ग्रीन वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स एंड कैल्शियम ऑक्सलेट विच इज प्रेजेंट इन टोमेटो। अब अगर मिसाल के तौर पे ये चीजें खाने की वजह से स्टोन हो गया तो कहां पर होगा? देखिए, पहली बात तो ये स्टोन्स होंगे किडनीज में, ये आपको नजर आ रही हैं, इट इज स्टोन्स प्रेजेंट इन किडनीज, तो ये स्टोन्स हो जाएंगे और यहां पर स्टक हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि किडनी में से बार बार आपको पता है कि वाटर ने आना है वेस्ट को लेकर, और वो वेस्ट ने यहां से रिलीज होना है, तो वो वेस्ट बार बार वाटर के साथ मिलकर इन स्टोन्स को प्रेस करेगा। अगर तो मिसाल के तौर पे स्टोन अभी सही तरह से स्टक नहीं हुए थे तो वो स्टोन्स क्या होंगे, वो वहां से ट्रेवल करेंगे और ट्रेवल करके कहां आ जाएंगे, यूरेटर में। और अगर उन स्टोन का साइज इतना हुआ जितना यूरेटर की ट्यूब है तो वो स्टोन्स जो हैं एक्चुअली यूरेटर में क्या हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। अब देखिए, एक हिसाब से यूरेटर में जब ये स्टोन्स आएंगे तो यहां पर ये किस्म की क्या स्टार्ट कर देंगे, ब्लॉकेज। ब्लॉकेज की वजह से आपका यूरिन पास नहीं होगा, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा क्या होगी, पेन होगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो ये आपको बताया गया स्टोन्स इन किडनीज, ये बताया गया यूरेटर स्टोन्स। अब अगर फॉर एग्जांपल पीछे से यूरिन आता जा रहा था, वो प्रेस करता गया और यूरेटर से स्टोन्स ट्रेवल किए गए, तो वो जब करेंगे ट्रेवल तो वो ट्रेवल करके किसमें आ जाएंगे, बैग, मस्कुलर बैग स्ट्रक्चर में विच इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। तो वो स्टोन ब्लैडर में आ जाएंगे और ब्लैडर में रुक जाएंगे। देखिए, ब्लैडर का काम था जिसमें स्टोन्स ने क्या होना था, सॉरी, ब्लैडर का क्या काम था जिसमें यूरिन में क्या होना था, स्टोर होना था। अब जब वहां पर स्टोन आ जाएगा तो फिर वहां पर स्टोन की वजह से आपका जो ब्लैडर है उसमें भी बहुत ज्यादा क्या होगी, पेन होगी, जिसको लोअर एब्डोमिनल पेन कहा जाता है। अब ये तो आपको ये समझ आ गई कि स्टोन कहां हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं और कैसे कैसे वो आ रही हैं। अब इसका ट्रीटमेंट जो है उसकी तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आपको गाइड किया, थोड़ा सा मजीद इसमें एडिशन करेंगे कि पहला ट्रीटमेंट है प्लेंटी ऑफ वाटर, कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियेंगे तो 90% आपके स्टोन्स रिमूव हो सकते हैं। वो कैसे होगा, आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीते जाएं, आप जितना ज्यादा पानी पियेंगे उतना ज्यादा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, पानी वेस्ट को लेके या सिर्फ पानी भी किडनीज में जाएगा, किडनीज को वॉश करेगा, स्टोन्स को प्रेस करेगा। अगर कोई स्टोन किडनी में रह गया है तो वो प्रेस होने की वजह से यूरेटर में आ जाएगा, और यूरेटर में बार बार पानी गिरने की वजह से यूरेटर में वो स्टोन्स जो हैं वो सॉफ्ट होके स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे, टूटेंगे और नीचे गिर जाएंगे ब्लैडर में। अब ब्लैडर में क्योंकि वाटर ने भी आकर स्टोर होना है, तो वो स्टोर होते जाएंगे, जिस वजह से वो स्टोन टूटेगा, टूट के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, या स्टोन्स, और वो फिर आपके यूरिन से, यानी जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा, ठीक है, उसके थ्रू ये आपका यूरिन भी रिलीज होगा और उसमें वो स्टोन्स भी मिक्स हो जाएंगे और वो भी क्या हो जाएंगे, रिलीज। तो 90% तो स्टूडेंट्स ऐसा ही होता है, लेकिन इसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है कि प्लेंटी ऑफ स्मॉल वाटर का जो मेथड है एक्चुअली ये अप्लाई होता है स्मॉल साइज स्टोन्स, ठीक है, क्योंकि अगर स्मॉल साइज स्टोन होगा तभी वाटर के प्रेशर की वजह से स्टोन्स जो हैं वो ट्रेवल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स मीडियम साइज स्टोन हुआ या स्मॉल साइज से बड़ा हुआ तो वो स्टोन जिधर भी होगा वो वहीं पर स्टक कर जाएगा, रुक जाएगा, लाइक वो किडनी में रुक गया है तो रुका रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए फिर हमें जाना पड़ता है दूसरी ट्रीटमेंट की तरफ विच इज कॉल्ड
लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या है जी? ये एक्चुअली स्टूडेंट्स नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स होती हैं। लिथोट्रिप्सी क्या है जी? एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स को यूज किया जाता है, ठीक है जी। नॉन इलेक्ट्रिक का मतलब जिसमें करंट नहीं होगा। ये शॉक वेव्स जो हैं, ये आपकी बॉडी के इनसाइड जाएंगी, जाकर स्टोन को तोड़ देंगी, तोड़कर स्प्लिट करके सैंड लाइक स्ट्रक्चर बना देंगी, और फिर ये सैंड लाइक स्ट्रक्चर होने के बाद आपके यूरिन से रिलीज हो जाएंगे। अब ये कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हैं तो ये शॉक वेव्स जो लिथोट्रिप्सी है, ये एक स्पेसिफिक टारगेट से, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट से भेजी जाएंगी, और जहां पर आपके स्टोन होंगे वो आपका स्पेसिफिक टारगेट होगा, उस पर आप उस बीम ऑफ लाइट, सॉरी बीम ऑफ लाइट का वर्ड यूज करेंगे, शॉक वेव्स, शॉक वेव्स को आप क्या करवाएंगे? बम्बार्ड करवाएंगे। बम्बार्डमेंट का मतलब होता है फेंकवाना। जैसे वो फेंकी जाएंगी, वो बम्बार्ड की जाएंगी, शॉक वेव्स जो कि नॉन इलेक्ट्रिक हैं, वो आएंगी, आके एंटर करेंगी स्किन से, इनसाइड जाएंगी किडनी के, किडनी के इनसाइड जाएंगी और जाके डायरेक्ट स्टोन के ऊपर गिरेंगी, और वो स्टोन को, क्योंकि वो शॉक वेव्स हैं, वो स्टोन को थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके स्प्लिट कर देंगी, तोड़ देंगी, और इतना तोड़ देंगी कि वो सैंड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, और फिर इनको बॉडी से क्या कर दिया जाएगा? यूरिन के साथ एक्सपेल कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास थे फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स, फिर हमने उनकी कॉजेस पढ़ी, फिर हमने उनका ट्रीटमेंट देखा, ठीक है जी। अब आप बुक के पेज नंबर 11 पे आ जाइए, फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स। समटाइम किडनीज कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड। कभी कभार ब्लड से सॉल्ट्स को निकालना किडनी के लिए पॉसिबल नहीं होता। इन सच सिचुएशंस सॉल्ट एक्यूमुलेट, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं किडनीज में, और क्या बना देते हैं? स्टोन्स। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज एंड कॉजेस सीवियर पेन, ठीक है, बहुत ज्यादा दर्द होती है। किडनी में स्टोन होगा तो किडनी पेन, यूरेटर में होगा तो यूरेटर पेन, आपके पास यूरिनरी ब्लैडर में होगा तो ब्लैडर पेन। किडनी स्टोन्स ट्रेवल टू यूरेटर और ब्लैडर। कॉमन कॉजेस स्टोन के जो हैं वो एक्सेसिव कैल्शियम सॉल्ट्स हैं फूड में एंड यूरिक एसिड, उन्होंने भी बताए यूरिक एसिड और उसके अलावा कैल्शियम सॉल्ट्स। कैल्शियम सॉल्ट्स में एक सॉल्ट मैंने आपको बताया कैल्शियम ऑक्सलेट, और मोर ग्रीन वेजिटेबल्स क्या हैं? याद रखिए ग्रीन वेजिटेबल्स में यूरिक एसिड होता है, जैसे पालक, ठीक है, स्पिनिच जिसे कहते हैं। अच्छा जी, डायग्राम्स आपके सामने हैं। स्मॉल साइज्ड स्टोन्स कैन बी रिमूव थ्रू यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग मोर वॉटर, ठीक है जी। कितने परसेंट? वो भी मैंने थोड़ा सा एडिशन कर दी, 90% ऐसा ही होता है। मीडियम साइज स्टोन्स आर रिमूव्ड बाय लिथोट्रिप्सी, ठीक है जी। लिथोट्रिप्सी आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसे देखिएगा। लिथोट्रिप्सी इन्वॉल्व्स बम्बार्डमेंट ऑफ शॉक वेव्स, ठीक है। बम्बार्डमेंट का मीनिंग क्या है? फेंकना या फेंकवाना शॉक वेव्स को, कहां पे? ऑन दी स्टोन्स फ्रॉम आउटसाइड, कि कोई आउटसाइड सोर्स होगा। शॉक वेव्स क्या करेंगी जी? ब्रेक द स्टोन्स इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस बना देंगी, विच आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन, और वो फिर आपके यूरिन के थ्रू जो है वो स्टोन्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे। स्टिल लार्ज स्टोन्स नीड सर्जरी फॉर द रिमूवल। लार्ज स्टोन के लिए आपको किडनी के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी का मतलब आपको स्किन काटना पड़ेगी, फिर आपको क्या काटनी पड़ेगी? किडनी काटना पड़ेगी और फिर स्टोन निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स अपने सेकंड, आप कह लीजिए डिसऑर्डर, जो कि हमारे पास है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर क्या है? गौर से इसको सुनिएगा। रीनल मींस रिलेटेड टू किडनी एंड फेलियर मींस फेल। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, उसी हिसाब से डेफिनेशन लिखी गई कि कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी।
कि या तो कंप्लीट का मतलब होगा कि दोनों किडनीज, पार्शियल का मतलब होगा एक किडनी, आपके पास दो किडनीज है ना, तो दो को आप कंप्लीट का वर्ड यूज करेंगे इनके लिए, और पार्शियल का मतलब हाफ होता है, तो टू का हाफ क्या होगा, वन। दूसरा स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात कि वो क्या रीजंस हैं, वो क्या वजूहात हैं जिस वजह से आपकी किडनी फेल होती है। पहली वजह डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको हम आगे चैप्टर्स में जाके भी सुनेंगे, इनके बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे। डायबिटीज मेलिटस को हम आम जुबान में डायबिटीज कहते हैं या शुगर कहते हैं। अक्सर आपने अपनी रूटीन लाइफ में ये टर्मिनोलॉजी यूं सुनी होगी कि भाई फलां बंदे की शुगर बढ़ गई है, इसको शुगर है। तो एक्चुअली ये आम टर्मिनोलॉजीज हैं कॉमन, जो स्पेसिफिकली टर्म्स यूज होती हैं शुगर लेवल के इंक्रीज होने के लिए, इट इज डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस एक्चुअली वो प्रोसेस है जिसकी वजह से डायबिटीज होती है, और जिस इंसान को डायबिटीज होती है एक्चुअल में हम उसको डायबिटिक पेशेंट का नाम देते हैं, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे है जी स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म इंफेक्शंस, कि किडनीज में बार बार इंफेक्शंस हो रहे थे, ठीक है, कुछ आपने ऐसी मेडिसिंस खाई। एक्चुअली होता ये है जब इंसान बीमार होता है तो उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, दी जाती हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, अगर लॉन्ग टाइम उनको लिया जाए तो वो इंफेक्शन का कॉज बन सकती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इंफेक्शन हो सकता है उन मेडिसिन की वजह से, जिस वजह से आपकी किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड लास्ट इज द हाइपरटेंशन। स्टूडेंट्स हाइपरटेंशन कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, कि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। ब्लड प्रेशर हाई होने की डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। एंगर इज अ सूटेबल एग्जांपल, कि गुस्सा जब आता है तो इंसान गुस्से की वजह से उसका ब्लड जो है उसका फ्लो फास्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स तीन रीजंस यहां पर बताई गई हैं कि ये रीजंस हैं, ये वजूहात हैं जिनकी वजह से आप कह लीजिए कि आपकी किडनी फेल हो सकती है, ठीक है जी। अब किडनी जब फेल हो जाएगी तो आपके ब्लड की ब्लॉकेज हो जाएगी, ब्लड ब्लॉक हो जाएगा, उसको कोई सोर्स नहीं मिलेगा जहां पे वो ब्लड जाए और अपने में से वेस्ट को निकाल दे, वेस्ट को निकाल दे। तो इस वजह से फिर हमें ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। एक तो ये कि जिस तरह किडनी काम कर रही है वैसे ही कोई मशीन बना दी जाए जिसको यूटिलाइज करके हम ब्लड को साफ कर सकें, उनमें से वेस्ट को निकाल सकें, और वही मशीनरी एक्चुअली डायलाइजर कहलाती है। क्या कहलाती है? डायलाइजर। तो डायलाइजर वो मशीन है जिसको यूज करके हम ब्लड को साफ करते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू ये सारा काम होता है इट इज कॉल्ड डायलिसिस। तो ट्रीटमेंट इस टाइम कौन सी है जी हमारे पास? डायलिसिस। डायलिसिस क्या है जी? क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड, कि ब्लड को साफ करना है लेकिन आर्टिफिशियल पैटर्न से, आर्टिफिशियल मेथड से, ठीक है जी। अब मैंने यहां पे आपको डायलाइजर का वर्ड बताया, डायलाइजर मशीन है, डायलिसिस वो प्रोसेस है। अब पहले स्टूडेंट्स हम रीनल फेलियर को रीड कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके बाद हम ट्रीटमेंट की डिस्कशन फर्दर मोर करेंगे। तो आइए रीनल फेलियर की तरफ। रीनल फेलियर इज द कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनीज टू वर्क। मेन कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर आर दिस, दिस एंड दिस, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। आगे चलते हैं जी, अब इनको एक एक करके देखते हैं कि डायबिटीज मेलिटस क्या है जी। इट इज अ डिजीज इन विच शुगर लेवल इंक्रीजेस इन द ब्लड। शुगर लेवल क्या कर जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहां पे एक छोटा सा आपको क्वेश्चन भी देता हूं स्टूडेंट्स एज असाइनमेंट, कि आपने ये चीज सर्च करनी है कि अगर किसी इंसान को डायबिटीज मेलिटस है, यानी उसके ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो गया है, तो वो कौन सा केमिकल है जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उस केमिकल का नाम आपने सर्च करना है,
और फिर ये भी देखना है कि क्या वो केमिकल हमारी बॉडी में अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो कहां पर है, ठीक है। अगर आप इतना सभी सर्च कर लें तो देखिए आपको ये नॉलेज आ जाएगा कि व्हाट इज डायबिटीज। और याद रखिए डायबिटीज मेलाइटस यानी शुगर प्रॉब्लम हर तीसरे या चौथे इंसान को होती है। तो अगर आपको इसका नॉलेज होगा और आपके पास या आपके करीब कोई ऐसा पेशेंट होगा तो आपको उसकी कंडीशन का एहसास हो सकता है। बाय द वे आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हाइपरटेंशन इज द स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन द बॉडी। आगे लिखा है जी सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई, अगर किसी वजह से अचानक ही ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी टू द किडनीज, किडनीज तक ना जाने के लिए, तो मे ऑल्सो रिजल्ट इन रीनल फेलियर, तो इस वजह से भी आपकी किडनी फेल हो सकती है। तो जी लिखा है जी डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट्स। तो डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट अभी हमारे पास मेथड है एज अ ट्रीटमेंट। ये जी अब इसमें डायलिसिस की तरफ मूव करते हैं। आपने जो एक चीज एडिशनल लिखनी है अपनी बुक पे वो है हीमियोडायलिसिस, हीमियोडायलिसिस, इसको हम हीमोडायलिसिस पढ़ते हैं। अब हीमोडायलिसिस क्या है, हीम स्टूडेंट याद रखिए, हीम का मतलब होता है ब्लड, डायलिसिस क्या होता है वो ऊपर राइट किया गया, क्लीनिंग बाय आर्टिफिशियल मेथड, यानी ब्लड को आर्टिफिशियल मेथड से साफ करना, इसमें एक टाइप हमारे पास हीमोडायलिसिस आ जाती है। हीमोडायलिसिस जो है ये इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको डायलिसिस सेंटर जाना पड़ता है। डायलिसिस सेंटर क्या है, हॉस्पिटल्स में अब ये अलग से बन चुके हैं और इन डायलिसिस सेंटर्स में क्लीनिंग ऑफ ब्लड का प्रोसीजर किया जाता है। तो मैंने आपके सामने वो डायग्राम ड्रॉ कर दी जो बुक पे भी बनी हुई है, इधर इसलिए ड्रॉ किया ताकि मैं आपको प्रॉपर वे से बता सकूं कि कैसे ब्लड जो है इस मशीन में से गुजरेगा और कैसे उसमें से वेस्ट अलग होंगे। तो आइए इसे देखते हैं। ये देखिए एक ह्यूमन हैंड है, ठीक है, ह्यूमन हैंड में एक जगह से आपको ये नजर आ रहा होगा ये एक ट्यूब जा रही है और ये ट्यूब एक स्पेसिफिक मशीन में से गुजर रही है और ये ट्यूब दोबारा आप ही के मतलब उसी हैंड में अटैच है। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं यहां पे एक आपको बॉटल नजर आ रही होगी जिसमें लिखा हुआ है जी यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड, यूज्ड का मतलब जो इस्तेमाल हो चुका है। और नीचे भी एक ट्यूब के जरिए हमने एक और बॉटल को अटैच किया हुआ है जिसपे लिखा हुआ है फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है जी। और यहां से जो ब्लड निकल रहा है इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लड विद वेस्ट, यानी वो ब्लड जिसमें क्या है वेस्टेज है। और जब ये ट्रेवल करता है, ट्रेवल करके वापस आके अटैच होता है तो लिखा हुआ है क्लीन ब्लड, कि ब्लड साफ हो गया, यानी इट मींस दैट कि ब्लड जब एंटर हुआ इस मशीनरी में तो यहां पे कुछ प्रोसेसिंग हुई जिस वजह से आपका वेस्ट ब्लड जो था वो क्लीन बन गया। आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। देखिए जो ब्लड आपका वेस्ट के साथ था वो ब्लड यहां से आपके हाथ से लिया गया और उसको इस मशीन में लाया गया, हीमियोडायलिसिस या हीमियोडायलाइजर। इस मशीनरी में जब ये ब्लड था इस ट्यूब में तो इधर नीचे से आप ये देखिए ये अटैच है फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड। ये फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड जो है वो ट्रेवल करके यहां आया, इन ट्यूब्स के सराउंडिंग वो अवेलेबल था। जैसे ही ब्लड इसके पास से गुजरा तो या ये जो ट्यूब थी इसमें से डायलिसिस फ्लूइड निकला और उस डायलिसिस फ्लूइड ने वेस्ट को अपनी तरफ क्या कर लिया, अटैच कर लिया, जिस वजह से ब्लड जो है वो वापस कहां चला गया, क्लीन होके बॉडी में, जबकि वो डायलिसिस फ्लूइड जो फ्रेश था उसने अपने अंदर वेस्ट को ऐड किया। तो यूज होने की वजह से आप ये देख सकते हैं वो डायलिसिस फ्लूइड जो है यहां पर गिरना अलग से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक रे डायग्राम है, इसमें प्रॉपर जो है आपकी बुक में ट्यूब्स वगैरह नहीं बनी हुई, लेकिन जितनी ट्यूब्स बनी हुई है आप इनसे ही कॉन्सेप्ट को गेन कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हीमियोडायलिसिस का मेथड है जो आपने याद रखना है कि वीक में दो या तीन दिन करवाया जाता है,
ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्या याद रखना है जी, कि ये मेथड जो है इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको डायलिसिस सेंटर्स में जाना पड़ता है, ठीक है, जो हॉस्पिटल्स में है। दूसरा, ये सेंटर्स में ही होते हैं और वीक में 2 से 3 डेज पर वीक, ठीक हो गया जी। चलिए अब इसकी तरफ आते हैं, सर रीड करते हैं जी। डायलिसिस, क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड, इट इज कॉल्ड डायलिसिस। इट इज डन बाय अ मशीन कॉल्ड डायलाइजर। द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज पास थ्रू द डायलाइजर। पेशेंट का ब्लड कहां से पास किया जाएगा? डायलाइजर से। और मैंने इस डायलाइजर को नाम दे दिया और आपको बता दिया, इट इज हीमियो डायलाइजर। वैसे इसको हीमियो डायलाइजर भी पढ़ा जाता है, नहीं तो इसका नेम हीमियो डायलिसिस भी यूज किया जाता है। द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज पास थ्रू द डायलाइजर विच कंटेन डायलिसिस फ्लूइड। उसमें वो डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होता है। ब्लड फ्लो करता है ट्यूब्स में से डायलाइजर की, और डायलिसिस फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है इन ट्यूब्स के अराउंड, यानी इन ट्यूब्स के अराउंड वो फ्लूइड जो है वो ट्रेवल करेगा। ब्लड जैसे ही आएगा वो फ्रेश फ्लूइड जो है उन वेस्ट को अपने अंदर क्या कर लेगा, खींच लीजिएगा। द वेस्ट मटेरियल मूव कहां से? ब्लड से टू द डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है। और जब वो मूव करेगा तो उसको अलग एक बॉटल के अंदर रखा जाएगा, भेजा जाएगा, विच इज कॉल्ड यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड, जो इस्तेमाल शुदा है, जो इस्तेमाल हो चुका है। द क्लींज्ड ब्लड इज रिटर्न टू द बॉडी। और जो खून साफ हो गया, जो ब्लड साफ हो गया, वो दोबारा कहां आ जाएगा? बॉडी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक आर्टिफिशियल मेथड था विच इज कॉल्ड डायलिसिस, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि आप कह लीजिए कि आम इंसान करवा सकता है, अगर ना किडनी की ट्रांसप्लांटेशन करवाना, किडनी चेंज करवाना बहुत मुश्किल है। अब हमारे पास लास्ट रह गया जी किडनी को चेंज करवाना। पहली बात तो ये एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। दूसरा, इसके लिए ये बात होना जरूरी है कि जिसने ट्रांसप्लांटेशन करवानी है यानी पेशेंट, और जिसने ट्रांसप्लांट करनी है यानी डोनर, डोनर कौन होगा जो किडनी डोनेट करेगा, उन दोनों के लिए पहली बात तो ये जरूरी है कि उनका ब्लड, उनकी किडनीज, उनके टिश्यूज, ये चीजें आपस में मैच करनी चाहिए। अगर ये चीजें मैच कर जाती हैं और हेल्दी डोनर यानी जो बंदा बिल्कुल हेल्दी है वो डोनेट करने की एलिजिबिलिटी रखता है तो वो डोनेट कर देगा किडनी को, और जिस इंसान को वो किडनी मिलेगी वो किडनी लेने के बाद, ये याद रखिए साइंटिफिकली मेजरमेंट्स हैं कि 10 से 15 साल यानी 10 टू 15 ईयर्स एवरेज टाइम होता है, यानी जो किडनी वो ट्रांसप्लांट होगी और पेशेंट को मिलेगी वो तकरीबन 10 से 15 साल जो है ये एवरेज टाइम है वो उस किडनी को यूज कर सकता है। उसके बाद ये किडनी भी नेचुरली तौर पे अपनी वर्किंग कम कर देगी। अब इसमें एक बात सोचने वाली है कि हेल्दी पर्सन जो है वो किडनी क्यों दे रहा है? होपफुली या तो वो डोनेट करना चाहता था या उसको पैसों की जरूरत थी, इस वजह से उसने किडनी क्या कर दी, डोनेट कर दी। लेकिन क्योंकि उसके पास 2 किडनीज हैं तो उसकी लाइफ 1 किडनी पे भी डिपेंड कर सकती है, लेकिन उसमें उसको अपनी बॉडी से काम कम लेना पड़ेगा, वर्किंग कम करनी पड़ेगी, नहीं तो 1 किडनी पे जो पूरा बॉडी का प्रेशर है उस वजह से वो किडनी फेल होने के चांसेस हो सकते हैं जी। स्टूडेंट पेज नंबर 13, किडनी ट्रांसप्लांट। दिस मेथड इज यूज्ड एट द एंड स्टेज ऑफ किडनी फेलियर। एंड स्टेज यानी हर तरीका खत्म हो चुका है, अब ये आखिरी स्टेज है जी। इन दिस मेथड किडनी डोनेटेड बाय सम हेल्दी पर्सन इज ग्राफ्टेड इन द बॉडी ऑफ पेशेंट। ग्राफ्टेड वर्ड ग्राफ्टिंग से आया, ग्राफ्टिंग का मतलब यहां पे ये होगा कि जितनी भी आर्टरीज, वेन्स, ये सारा कुछ जो है वो अटैच किया जाएगा और किडनी जो है वो लगा दी जाएगी, ग्राफ्ट करना कहते हैं इसको। द डोनर ऑफ किडनी मे बी ब्लड रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव यानी उसके जान पहचान वाला उसका कोई अजीज व अकारिब हो सकता है, ठीक है, और एनी अदर क्लोज रिलेटिव,
ठीक है, या कोई क्लोज पर्सन हो सकता है जो किडनी ट्रांसप्लांट करवा दे। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स यहां तक हमारा आज होपफुली ये चैप्टर ही कंप्लीट होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि एक्सरसाइज के एमसीक्यूज तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिए थे। एक एमसीक्यूज आई थिंक सो मैंने आपको कहा था कि उसे आप कंप्लीट करिएगा, होपफुली आपने उसका आंसर लगा लिया होगा। फिर भी जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लगाया उनके लिए बताता चलूं कि एमसीक्यूज नंबर 7 में उन्होंने पूछा था कि अगर आपका दांत टूट जाता है, ठीक है, टूथ एच, यू फील पेन, तो आपको दर्द होती है, क्या वजह होगी? तो इसका आंसर डी ऑप्शन है कि कैविटी जो है दांतों की वो रीचेस द नर्व इंपल्स और नर्व इंपल्स मैसेज किसको भेजेगा? ब्रेन को। और ब्रेन में आपको मैंने बताया था हाइपोथैलेमस या थैलेमस वो हैं जो पेन को फील करेंगे, मतलब उनके पास ये मटेरियल्स मौजूद हैं, उनके पास ये आप कह सकते हैं कि इतनी एबिलिटी है कि वो एक्चुअल में इस चीज को जान लें कि जी यस इट इज पेन। इसके साथ स्टूडेंट्स आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर हम आ जाएं तो 1.2 पार्ट कंप्लीट है। उसका जो चौथा सवाल है नेफ्रॉन, वो मैंने आपको करवा दिया था। इसमें आपने दो मेन पार्ट्स के नाम लिखने हैं। फर्स्ट नेम आपके पास आ जाएगा रीनल कॉर्पस्कल और दूसरा क्या है रीनल टिब्यूल। इसी तरह 1.3 में नेफ्रॉन का आपने फंक्शन लिख देना है। 1.4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, 2 भी हो चुका है, 3 भी हो चुका है और 5 भी हो चुका है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ जी किडनीज एंड लंग्स का डिफरेंस। देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किडनीज तो मौजूद है लेकिन लंग्स का क्वेश्चन जो है या लंग्स से रेलिवेंट मटेरियल आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिल वक्त आप ये लंग्स का क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। जब क्लासेस स्टार्ट होंगी स्कूल में तो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी डेफिनेशन राइट करवा दूंगा अगर जरूरत पड़ी, नहीं तो हम ये क्वेश्चन इसको फिल वक्त स्किप कर देंगे। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में 1.6, 1.7, 1.8, 9 और 10 ये आपके कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1.11 में भी पहला क्वेश्चन रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट हो चुका था। आज बाकी दो पार्ट्स हमने कंप्लीट किए विच इज रीनल फेलियर एंड डायलाइजर, रीनल फेलियर एंड डायलाइजर। ठीक है जी, इसके बाद दो डायग्राम्स हैं और वो दोनों डायग्राम्स जो हैं उनकी लेबलिंग मैंने आपको बता दी थी कि आपने ये कर लेनी। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज हमने ये सीखा कि अगर हमारी किडनीज में डिसऑर्डरिंग हो जाती है, किडनीज की वर्किंग नहीं हो रही, ब्लड साफ नहीं हो रहा, तो क्या रीजंस हो सकती हैं और यह सब कुछ कैसे हो सकता है। तो बहरहाल मुझे यकीन है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपने स्टूडेंट्स इसमें से इंटरनल एमसीक्यूज जरूर बनाने हैं और अपनी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं जिनको अभी आपने कंप्लीट नहीं किया उनको अब आप कंप्लीट कर लीजिए। इस चैप्टर को अच्छी तरह आप याद कर लीजिए। ठीक है, आज हमारा जो वर्किंग है वो यहां तक कंप्लीट होती है इस चैप्टर के इख्तिताम पर और आज हमारा वर्क फॉर डे 9 यहां तक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।